सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो इन चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप उम्मीद है आप सभी ठीक हो। दोस्तों ये जो वीडियो है सडनली मैं आपने जो कार है कार पे ही बना रहा हूँ, तो मुझे एक मैसेज आया था DHL के तरफ से, जो कि मुझे एक पार्सल आ रहा है फ्रॉम चाइना हांगकॉन्ग, एंड इसके लिए रिगार्डिंग एक KYC जो है मुझे देना पड़ रहा है। तो वहाँ पे जाके उस वेबसाइट पे जाके एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला जो कि एक्चुअली आई वांट टू शेयर, जो कि बहुत लोगों के मन पे ये क्वेश्चन होता है कि ड्यूटी टैक्स जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो टैक्स होता है कस्टम टैक्स हम लोग बोलते हैं, तो वो कितने अमाउंट से अगर ज़्यादा होता है तो हम लोगों को देना पड़ता है एंड कब हम लोगों को नहीं देना पड़ता है। तो उसके लिए ये वीडियो आप देखते रहिए। मैं हूँ भास्कर, आप देख रहे हो टेक्नो इन। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूटी टैक्स देना पड़ता है अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो फॉर पर्सनल यूज, नॉट एज ए कुछ भी आपका जो है आप बिजनेस चला रहे हो तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो देन आपको देना पड़ता है। पर अगर पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कुछ भी चीज़ सामान खरीदना चाहते हो एंड वो प्रोडक्ट अगर 10,000 से अबोव होता है देन आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर वो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है बिलो 10,000 है देन आपको देना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेन थिंग। अगर कुछ भी प्रोडक्ट मान लीजिए एक्शन कैमरा, एक हाल ही में एक व्यूअर ने मुझे पूछा था, तो जिसका एक नेल आर्ट चैनल है, तो उसने पूछा था कि कस्टम जो ड्यूटी टैक्स होता है कि कब देना पड़ेगा। तो उसी का ये है कि अगर आप एक्शन कैमरा खरीदना चाहते हो 5,000 rupees का, देन नो नीड टू पे टैक्स। मुझे मालूम था कि 10,000 लगभग आपको हम लोगों को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट जब खरीदा था 10,000 से बिलो देन मुझे कुछ भी देना नहीं पड़ा। एंड ऑल्सो 11,000-12,000 भी हो जाता है देन आप सेलर से बात कीजिए कि मुझे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बड़े अमाउंट वाला कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स ना लिखे, सिंपली एक लिख दो कुछ भी, मतलब ऐसा जैसे मैंने गिम्बल खरीदा था जो कि तब 11,000 या 12,000 था, एंड उसमें जो है देन वहाँ पे मैं टैक्स नहीं दिया क्योंकि पैकेट के ऊपर लिखा मतलब हुआ था कि LED बल्ब भी मैं खरीदा हूँ जो कि अमाउंट 3,000 है। तो दिस इज़ द मेन थिंग। एंड अब चलिए वो वेबसाइट देख लीजिए जो कि DHL के KYC पे लिखा रहता है, मतलब जो है एग्जेम्पशन, मतलब ड्यूटी एग्जेम्पशन मुझे नहीं देना पड़ता है। तो वो आप देख लीजिए। आई थिंक ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हिट दी लाइक, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सी दिस वेबसाइट लिंक। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये DHL इंडिया KYC के है, तो यहाँ पे जाके मैंने अपलोड किया है कुछ ही देर पहले कुछ ID प्रूफ एंड जो एड्रेस प्रूफ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है वहाँ पे आप ठीक से पढ़िए, तो वहाँ पे लिखा रहेगा लास्ट में कि 10,000 rupees समथिंग लिखा हुआ है। तो उसी से मालूम पड़ जाता है कि अगर मुझे 10,000 अबोव कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है देन मुझे ऊपर देना, अगर मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर 10,000 से ज़्यादा होता है। देखिए वहाँ पे बोनाफाइड सैंपल्स अप टू वैल्यू 10,000 हैव ड्यूटी एग्जेम्पशन, अप टू 10,000 तक मुझे देना नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।